हेलो फ्रेंड्स, गहूकर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शादी वाली बैंगन आलू की सब्जी। ये सब्जी पूरी चपाती चावल के साथ बड़ी ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए बनाते हैं बैंगन आलू की सब्जी। बैंगन आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए ये 250 ग्राम बैंगन को मैंने डंठल के साथ बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में डुबो के रख दिया है क्योंकि ये काले ना पड़े। एक बड़ा आलू बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। और हम फ्रेश मसाला बनाएंगे जिससे सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसके लिए हमें चाहिए एक छोटा चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया, दो तेज़पत्ता, आधा छोटा चम्मच शाहजीरा, दालचीनी, चक्रफूल, एक बड़ी इलायची, एक हरी इलायची, तीन चार काली मिरी, दो लौंग, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और चार बड़े चम्मच तेल। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई में ये सारे सूखे मसाले डालकर 2 मिनट मीडियम आंच पर भुनेंगे। मसालों को अच्छी तरह से भुनने के बाद गैस बंद करके इन्हें एक मिक्सर जार में डालकर थोड़ा ठंडा होने के बाद 2 मिनट के बाद बारीक पीस लेंगे। देखिए ये फ्रेश मसाला बारीक पीस के तैयार है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब सेम कढ़ाई में गैस ऑन करके तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद राई और जीरा डालेंगे और इसे थोड़ी देर भुनेंगे। राई और जीरा तड़कने के बाद इसमें बारीक कटा प्याज डालेंगे और इसे मीडियम आंच पर प्याज हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज हल्का ब्राउन होने के बाद इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और इसे मीडियम आंच पर 1 मिनट भुनेंगे। अब हम आलू डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे ढककर 2 मिनट मीडियम आंच पर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हमने जो फ्रेश मसाला बनाया है वो 1 चम्मच डालेंगे, बाकी मसाला आप किसी और सब्जी में भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसके बाद इसमें बारीक कटा टमाटर और बैंगन डालेंगे। और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर अच्छे से मसालों में मिलाएंगे। अब हम इसे ढककर 2 मिनट मीडियम आंच पर भाप में पकाएंगे। एक साइड मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है सब्जी में डालने के लिए। 2 मिनट के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम बारीक कटा हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट कम आंच पर अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए आलू और बैंगन दोनों अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें लगभग 2 कप गर्म पानी डालेंगे। अगर आपको सब्जी गाढ़ी पसंद है तो उसके अनुसार पानी डालें। अब सब्जी को अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे ढककर 5-7 मिनट लो मीडियम आंच पर पकाएंगे। 6-7 मिनट के बाद इसमें गरम मसाला डालेंगे, बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाकर
एक मिनट पकाएंगे। देखिए ये बैंगन आलू की सब्जी तैयार है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। आप ये टेस्टी बैंगन आलू की सब्जी इस तरह जरूर बनाकर देखिए। आपको ये सब्जी जरूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।